अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज व्लॉग आफ्टरनून टाइम से स्टार्ट किए और मॉर्निंग में ऑलरेडी मेरा कुकिंग कंप्लीट हो गया है। अभी फ्रूट्स काटना बाकी है और फ्रूट्स काटते हुए आप लोग के साथ व्लॉग स्टार्ट किए। तो अभी अगर काम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरा 3:30 से ट्यूशन स्टार्ट होगा, तो इसीलिए सोचे अभी फ्रूट्स काट के फ्रिज में रख देंगे एंड चूड़ा भिगाना है और बेसन भिगो के रखना है। तो इस तरीके से सारा काम कंप्लीट करना है। साथ ही साथ देखिए, ये मेरे साथ बैठा हुआ है बाबू। सबसे पहले फ्रूट्स वॉश करना है सही से। ये फ्रूट्स अगर रेडी कर लेते हैं तो क्या होगा, मेरे लिए इजी हो जाएगा इवनिंग में, क्योंकि आज मंडे है और मंडे ट्यूशन स्टार्ट होता है मेरा 3:30 से रमजान में। तो इस तरीके से इफ्तार रेडी करना और पढ़ाना दोनों बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। और काम आप जितना भी जल्दी करने की कोशिश करो, ईजान है मेरे सामने तो ऑब्वियसली उतना जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज वो काफी परेशान करता रहता है। मम्मा डोंट टच बेटा। नो नो डोंट टच, तुम्हें मम्मा हेल्प करो ना धोरे, ओके? होता है बच्चे एकदम एप्पल अवॉइड करते हैं, बच्चे पता नहीं क्यों एप्पल एकदम पसंद नहीं करते। अभी बनाना नहीं काटना है। ऑलमोस्ट देखिए सारा फ्रूट्स मेरा कट हो गया है, और अगर एक दो चीज भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट जो इफ्तार से पहले जो याद आ जाएगा तो उसको फिर कट कर लेंगे। तो ऐसे करके सारा मेरा काम कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ बाकी है, नारियल। नारियल एक्चुअली चूरा जब हम लोग खाते हैं तो नारियल मिक्स करके खाते हैं, तो ये जो नारियल का काम है जिदान के पापा कर देते हैं, लेकिन अभी पहले चूरा भिगा देंगे, उसके बाद बेसन को फुला देंगे, बिकॉज बेसन अगर अच्छी तरीके से फुला के रख देते हैं तो बाद में और ज़्यादा अच्छा होता है। बेसन अगर फुलाएंगे तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, सारा जो मसाला है हम लोग ऐड कर लेंगे आराम से, और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। हाँ, और अगर बेकिंग पाउडर नहीं भी ऐड करें तो सब्स्टिट्यूट में हम लोग जो राइस फ्लोर है वो यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या होता है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो देखिए मेरा शरबत रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, और शरबत जो है दो तरह का शरबत था, आम पन्ना और रसना। तो नारियल देखिए रेडी हो गया है, अब चूरा में डाल देंगे, सारा डाल के रख देंगे एंड कुछ देर बाद, मतलब मेरे ट्यूशन कंप्लीट होने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ट्यूशन से पहले अगर ये सब छोटा छोटा काम अगर कंप्लीट हो जाता है तो एकदम टेंशन फ्री रहते हैं, मतलब उतना ज़्यादा बर्डन फील नहीं होता है, मतलब आराम से ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर नमाज़ पढ़ते और नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आते आराम से, मतलब 5 बजे तक, और उसके बाद आराम से जो फ्राइंग आइटम्स है वो सब रेडी करना रहता है एंड दस्तरखान लगाना और बच्चों को संभालते हुए, तो ये सब तो करना ही पड़ता है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए सारा काम पहले से कंप्लीट करना पड़ता है मुझे, इसीलिए क्योंकि बीच में मेरा ट्यूशन्स रहता है। मॉर्निंग में ऑलरेडी मेरा खाना बन गया था, और खाने में ये भाजी है, करेला का भाजी, और एक भाजी है। देखिए ये वाला जो भाजी है, जो बॉटल गोर्ड है, उसका छिलका का भाजी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये रहा मीट, और फिर देखिए मेरा ट्यूशन्स कंप्लीट करने के बाद अभी आ गए थे फिर किचन, और किचन में आने के बाद सारा आइटम्स मेरा रेडी हो रहा है। रेडी करने से क्या होता है, देखिए जिदान के पापा एक एक करके फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसीलिए क्या करती है सारा रेडी करके उनके सामने रख देना पड़ता है एंड देन उसके बाद दस्तरखान लगाते रहते हैं। इससे क्या होता है ना, ईजी हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है।
जब तक जिदान के पापा फ्राई करते रहते हैं तब तक मेरा दस्तरखान रूम में लग जाता है एंड साथ ही साथ फ्रिज में जो जो चीज़ रखा हुआ रहता है और दूसरे रूम में भी टेबल में जो जो चीज़ अरेंज करके रखा हुआ रहता है सारा एक एक करके लेके जाना पड़ता है। और साथ ही साथ वो जब किचन में आ जाते हैं मेरा असर का नमाज होता है, तो इससे क्या होता है ना, बैलेंस मेंटेन रहता है, मतलब काम स्टॉप नहीं रहता है और दोनों मिलके काम को बैलेंस के साथ करते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये लास्ट स्टेप है फ्राइंग आइटम्स फ्राई करने का, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का इफ्तार का टाइम भी हो जाएगा तब तक। और इफ्तार करने के बाद बहुत सारा काम रहता है जैसे तरावी, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, इसीलिए और टाइम नहीं मिलता है एक्स्ट्रा, तो इसीलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो ये वीडियो नेक्स्ट डे तक कंटिन्यू रहेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज देखिए मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट किए, वो इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि आज जिदान का रिपोर्ट डे है, तो स्कूल का टाइमिंग है 8:30 to 9:30 तक, तो और काफ़ी धूप है, तो इसीलिए सोचे पहले कपड़ा डाल देते मॉर्निंग में, और मेरे स्कूल से आते आते मे भी कपड़ा सूख जाएगा। उसके बाद जिदान को उठाना है और उसको रेडी करते हुए उसके बाद हम लोग निकलेंगे। एक्चुअली जिदान के स्कूल जाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आज लास्ट डे है, मतलब क्लास नहीं होगा, बट उसको आज रिपोर्ट मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि उसको साथ में लेकर जाएंगे, बिकॉज लास्ट डे अच्छा भी लगेगा, उसको अच्छा फील होगा क्योंकि ऐसे ही घर में बैठे बैठे वो बोर हो रहा था। अभी हम लोग जा रहे हैं और आज उसका रिपोर्ट डे है, देखते हैं क्या होता है कैसा, और जिदान को क्या फील हो रहा है जिदान से पूछते। जिदान आज की रिपोर्ट है ना बेटा, क्या बोल रिजल्ट है भालो? ठीक है, स्कूले गए बुझते पारबो। ठीक है, आइए बारो। आगे अब हम लोग अंदर जाएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। जिदान का रिपोर्ट कार्ड मिल गया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छा ग्रेड्स मिला और मैम फुल्ली सेटिस्फाइड थी जिदान के ऊपर। और आप लोग दुआ करते रहिएगा ताकि क्लास वन में उसका परफॉर्मेंस है इससे ज़्यादा बेटर हो और सिंसियरली अपना काम कर पाए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिदान और इजान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में आप लोग के साथ। और ये रहा जिदान का केजी का क्लासरूम, अब वो नेक्स्ट क्लास वन में जाएगा, तो वो दूसरा क्लासरूम होगा और चेंज हो जाएगा उसका क्लासरूम।